नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुंदेल। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में आज सुबह कोर्ट की तीसरी मंजिल पर एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील की पहचान भूपेंद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है। घटना से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में एक जिला अदालत के परिसर में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील का शव कोर्ट की तीसरी मंजिल पर मिला है। साथ ही शव के पास से देसी पिस्टल भी मिली है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बता दें, बेखौफ बदमाश ने शाहजहाँपुर की कोर्ट के अंदर घुसकर वकील की गोली मारकर हत्या कर दी है। फायरिंग की आवाज़ के बाद वहां मौजूद वकील दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। गोली मारने वाला शख्स तमंचा वहीं पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। आरोपी कचहरी की तीसरी मंजिल में ACGM ऑफिस में पहुंचा और तमंचे से फायर कर वकील को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के वक्त ऑफिस में कोई मौजूद नहीं था। वहीं दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में हुई हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरी कचहरी में अफरा तफरी का माहौल है। घटना से गुस्साए वकीलों ने हंगामा भी किया। मौके पर पुलिस फोर्स पहुँच चुकी है। पुलिस ने मृतक वकील के शव को कब्जे में ले लिया है। शाहजहाँपुर के पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने कहा, शुरुआती खबरों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि युवक अकेला था। घटना के वक्त उसके आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं देखा गया। फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है। हत्या के वक्त की परिस्थिति स्पष्ट नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।